नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर एग्जाम बाई सविंदर चौरसिया पर। आज हम आप सभी को हीट ट्रीटमेंट पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्नेस के तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बाकी फारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस ये सब तापमान मापने के मात्रक हैं। हार्डनिंग की प्रक्रिया में धातु का हार्डनेस का गुण बढ़ाया जाता है। इसका बी ऑप्शन सही है। कार्बन स्टील को हार्ड करने के लिए हार्डनिंग टेम्परेचर किस पर निर्भर करता है? तो हार्डनिंग टेम्परेचर कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। टेम्परिंग की प्रक्रिया में टफनेस को बढ़ाया जाता है और भंगुरता को कम किया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, भंगुरता कम करके टफनेस को बढ़ाया जाता है। हाई स्पीड स्टील के टूल की हार्डनेस प्रायः कितनी होती है? तो इसकी हार्डनेस होती है 60 या 400, रॉकवेल हार्डनेस। सिंगल हीटिंग विधि में कार्य को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से लगभग कितने तक गर्म किया जाता है? तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। किसी टूल स्टील के पार्ट की सरफेस को हार्ड करने के लिए कौन सी क्रिया करते हैं? तो इसके लिए इंडक्शन हार्डनिंग करते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। स्टील के हार्ड पार्ट्स को मशीनिंग करने योग्य बनाने के लिए मुलायम करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अनीलिंग। इसका बी ऑप्शन सही है। जब किसी पार्ट्स को ऑक्सीजन एसिटिलीन टॉर्च के द्वारा लौ देकर गर्म किया जाता है और साथ साथ पानी का फव्वारा देकर पार्ट्स को ठंडा करते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को कहते हैं फ्लेम हार्डनिंग। माइल्ड स्टील के पार्ट्स की सरफेस को घिसने से बचाने के लिए एक प्रकार की क्रिया की जाती है, जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे कहते हैं केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग की एक विधि जिसमें लो कार्बन स्टील की सतह पर कुछ गहराई में कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है, क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है कार्बोराइजिंग। स्टील पर ठंडे या गर्म हालात में कार्बन करने के बाद उसे सामान्य दशा में लाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नॉर्मलाइजिंग। इसका डी ऑप्शन सही है। स्टील का नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य होता है, ये होता है इंटरनल स्ट्रेसों को दूर करना। इसका ये ऑप्शन सही है। कार्बन स्टील के एक पीस को 730 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ऊपर गर्म किया जाता है। इसे इस तापमान पर कुछ घंटों तक रखा जाता है, तब उसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इसके लिए कौन सी हीट ट्रीटमेंट विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो इसके लिए लाई जाती है अनीलिंग। इसका डी ऑप्शन सही है। हीट ट्रीटमेंट के बाद कंपोनेंट क्रैक हो जाता है, इसका संभावित कारण क्या है? तो इसका कारण है इसे ब्रायन में तुरंत ठंडा किया गया था। केस हार्डनिंग की एक विधि में स्टील पर अमोनिया गैस को छोड़ा जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नाइट्राइडिंग। साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग निम्न में से किसकी दो विधियां हैं? ये दो विधियां हैं केस हार्डनिंग की। धातुओं की हीट ट्रीटमेंट आवश्यक होती है, तो ये होती है कुछ निश्चित गुणों को उत्पन्न करने के लिए। स्टील के ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को शीघ्र ठंडा करने पर निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? तो ये बनता है मार्टेनसाइट। अनीलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है मशीनेबिलिटी में सुधार करना। हीट ट्रीटमेंट के दौरान जब कार्बन घुलकर सॉलिड सॉल्यूशन बनाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑस्टेनाइट। इसका सी ऑप्शन सही है। लो कार्बन स्टील की सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाने को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कार्बोराइजिंग। स्टील की नॉर्मलाइजिंग करते समय उसे ठंडा करना चाहिए, तो इसे करना चाहिए कमरे के तापमान पर स्थिर हवा में। निम्न में से कौन सी विधि कंपोनेंट पर स्केल फ्री सरफेस बनाती है? तो ये बनाती है इंडक्शन हार्डनिंग। अनीलिंग करने के लिए जाप को किसमें दबाया जाता है? ये दबाया जाता है लाइम स्टोन में। टेम्परिंग हमेशा आने पर ही दी जाती है। टेम्परिंग हमेशा
टेम्परिंग कलर आने पर दी जाती है। निम्न में से कौन सा कार्बन व लोहे का अलॉय है जिसमें कार्बन मिश्रित रूप में पाई जाती है? तो यह है स्टील। वह कौन सी विधि है जिसमें फाइन ग्रेन एक सार स्ट्रक्चर व मैकेनिकल गुणों में सुधार होता है? तो यह है नॉर्मलाइजिंग। यह लोहे व कार्बन का रासायनिक या केमिकल मिश्रण है? तो यह है सीमेंटाइट। यह लोहे व कार्बन का घोल है? यह है आस्टेनाइट। इसका डी ऑप्शन सही है। फेराइट और सीमेंटाइट के मिलने पर लेमिनेटेड स्ट्रक्चर बनता है जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पियर लाइट। हार्ड किए जाने वाले जावों में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 0.5%। अगला टॉपिक रहेगा हमारा प्रमुख धातुओं एवं शीट मेटल। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम बाय सुंदर चौरसिया। थैंक यू।